लगभग हर इंसान जो इस दुनिया में पैदा हुआ है वो एक सपना लेकर बड़ा होता है, एक ऐसा सपना जिसमें उसकी जिंदगी वैसी चल रही हो जैसा वो चाहता है। पर ये सपने पूरे बहुत ही कम लोगों के हो पाते हैं, बाकी सब ऐसे ही रह जाते हैं। डायरेक्टली कहूँ तो पैसे कमाना तो सब चाहते हैं, पर पूरी दुनिया की मैक्सिमम वेल्थ सिर्फ 1% लोग ही कमा ले जाते हैं। कामयाब होना तो सब चाहते हैं, पर इतनी कोशिश और दिन रात मेहनत करने के बाद भी सिर्फ गिनती के लोग ही कामयाब हो पाते हैं। अगर आप ये सवाल किसी भी इंसान से पूछोगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ सिलेक्टेड लोग ही कामयाब हो पाते हैं, तो मैक्स लोगों का सेम यही जवाब होगा, क्योंकि ये लोग बहुत मेहनती हैं और इन्होंने अपने गोल्स को बहुत मेहनत से अचीव किया है। पर एक बार जरा खुद से पूछकर देखो, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, अपनी मनचाही लाइफ जीने के लिए मेहनत तो हम भी करते हैं ना, पर हम उस कामयाबी तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे? क्या कहीं पर हम कुछ गलती कर रहे हैं, या हमारी लाइफ ही हमारे साथ अनफेयर करने में लगी हुई है? देखो बात क्या है, बचपन से ही हमको यह कहा जाता है कि देखो बेटा, मेहनत ही सफलता की चाबी है। जितनी ज्यादा तुम मेहनत करोगे तुम्हें उतनी ही सफलता मिलेगी। पर सोचने वाली बात है कि अगर मेहनत करने से ही कामयाबी मिल जाती तो दिन रात मेहनत करने वाले मजदूर, खेतों में काम करने वाले किसान आज दुनिया पर राज कर रहे होते। द अनफेयर एडवांटेज बुक के ऑथर्स एश अली और हसब का कहना है कि सक्सेस सिर्फ हार्डवर्क से ही मिलती है, ये बात कोई पत्थर की लकीर नहीं है। इसीलिए हर बार इन दोनों को एक दूसरे से जोड़कर मत देखो, क्योंकि सक्सेस के पीछे अनफेयर एडवांटेज का भी बहुत बड़ा रोल होता है। हाँ, अनफेयर एडवांटेज, शायद आप में से कुछ लोग इसका नाम भी पहली बार सुन रहे हों। बट अगर आपको इसके बारे में पता चल गया तो फिर आपको ये जानने में भी देर नहीं लगेगी कि कैसे लोग इसकी वजह से अपने कॉम्पिटिटर्स को डिफीट करके उनसे भी आगे निकल जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या है और इसको अपने फायदे के लिए हम कैसे यूज कर सकते हैं। द अनफेयर एडवांटेज। आज YouTube पर लगभग 3.7 मिलियन वीडियोस डेली अपलोड की जा रही हैं, पर मुश्किल से 100-200 क्रिएटर्स ही ऐसे निकलते हैं जिनको लोग जानना शुरू करते हैं और वो एक्चुअल में आगे बढ़ पाते हैं। भुवन बाम को ही एज एन एग्जांपल लें तो YouTube पर कॉमेडी एंटरटेनिंग वीडियोस की कोई कमी नहीं है, पर बीबी की वाइंस चैनल पर बस एक वीडियो आने की देर है, लाखों नहीं करोड़ों लोग उनकी वीडियोस से एंगेज हो जाते हैं। जबकि सेम उन्हीं की नीच पर हजारों लाखों ऐसे क्रिएटर्स हैं जो अब तक ग्रो नहीं कर पा रहे। रीजन जानते हो क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बीबी की वाइंस के पास टाइम का अनफेयर एडवांटेज था। उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल तब शुरू किया जब यूट्यूब पर ज्यादा क्रिएटर्स थे ही नहीं और जियो सिम का क्रेज लोगों पर बस चढ़ ही रहा था, जिसकी वजह से उनका चैनल बहुत तेजी से बूस्ट हुआ। पर अब तो एंटरटेनमेंट नीच पर इतना कॉम्पिटिशन है कि उनकी तरह करोड़ों सब्सक्राइबर्स तक पहुँच पाना बहुत ही मुश्किल काम है। अब यही सेम चीज अमेजन पर भी अप्लाई होती है। अमेजन तब शुरू हुआ जब लोगों के बीच में इंटरनेट पॉपुलर हो ही रहा था। उस टाइम लोगों को जब ऑनलाइन शॉपिंग के फायदे दिखने लग गए तो वो वहीं जुड़ते चले गए। तो इन दोनों ही केसेस में आपने देखा कि इनको सही टाइम का एडवांटेज मिला था। पर इसके अलावा भी बहुत से फैक्टर्स हैं जो लोगों का अनफेयर एडवांटेज बनकर उनकी सक्सेस अचीव करने में हेल्प करते हैं। आप खुद सोचकर देखो, अगर मार्क ज़करबर्ग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ना पढ़ करके किसी नॉन रेप्यूटेटेड यूनिवर्सिटी में पढ़ते तो शायद फेसबुक जैसा आज हमारे बीच कुछ होता ही नहीं। मार्क हार्वर्ड में पढ़े और फेसबुक बनाने का आइडिया भी उनका उसी जगह से आया था। सेम इसी तरह बिल गेट्स के पास भी अनफेयर एडवांटेज था। उन्होंने कई बार कहा है कि वो दुनिया के कुछ ऐसे लकी बच्चों में से थे जिनको बहुत ही कम एज में कंप्यूटर चलाने मिल गया था, और अगर वो लेक साइड स्कूल नहीं जाते तो उनको कंप्यूटर भी नहीं मिलता और शायद आज माइक्रोसॉफ्ट जैसा भी कुछ होता ही ना। मतलब इन कामयाब लोगों की सक्सेस का सीक्रेट हार्डवर्क से ज्यादा उनका अनफेयर एडवांटेज है। पर देखो, ऐसा नहीं है कि अनफेयर एडवांटेज सिर्फ कुछ गिनती के लोगों को ही मिलता है। नहीं, ऑथर बोलते हैं कि अनफेयर एडवांटेज हर किसी के पास आता है, बस हमें उस एडवांटेज को समझकर उसे यूज करने की जरूरत होती है। पर डाउट तो यही है कि अपने अनफेयर एडवांटेज को हम ढूंढे कैसे, कैसे पता लगाएं कि हमारी लाइफ का ये अनफेयर एडवांटेज है। सो इस सवाल का ऑथर एक वन वर्ड आंसर देते हैं, जो है माइल्स। माइल्स फ्रेमवर्क से आप अपने अनफेयर एडवांटेज को बहुत ही इजीली ढूंढ सकते हैं। माइल्स फ्रेमवर्क। माइल्स वर्ड 5 चीजों से मिलकर बना है जो एक्चुअल में अनफेयर एडवांटेज के 5 फैक्टर्स होते हैं। माइल्स का एम प्रेजेंट करता है मनी को। ऑथर बोलते हैं कि मनी इज नॉट एवरीथिंग बट इट हेल्प्स यू टू डू एवरीथिंग। मतलब पैसा ही सब कुछ नहीं होता, बट पैसा सब कुछ करने के लिए आपकी मदद जरूर कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, स्नैपचैट के फाउंडर इवन स्पाइगल दुनिया के यंग बिलियनर्स में से एक है। वो 24 की एज में ही एक मिलियनर बन चुके थे, बट अगर आप उनका फैमिली बैकग्राउंड देखो तो आपको ये जानने मिलेगा कि उनकी फैमिली तो पहले से ही एक बिलियनर फैमिली है। वो लॉस एंजलिस में एक बड़े मेंशन में रहते हैं। उन्हें बहुत ही एक्सपेंसिव स्कूल और ट्यूशन से एजुकेशन मिली थी। उनके पेरेंट्स के पास खुद के लॉयर्स की टीम है। यहाँ तक कि उनके पेरेंट्स पहले से ही टेक फील्ड के लोगों के साथ अच्छा खासा कनेक्शन बनाए हुए थे, जिसकी वजह से इवान को भी डायरेक्टली CEO से कनेक्शन बनाने का मौका मिल गया। अब देखो, किसी भी बिजनेस को ग्रो करने में पैसा बहुत जरूरी होता है, इसीलिए लोग बिजनेस शुरू करने के लिए फंडिंग तलाश करते हैं, इन्वेस्टर्स को ढूंढते हैं।
बट एवन के पास तो बहुत सारा पैसा पहले से ही था। उनके पेरेंट्स के अलावा भी बहुत से ऐसे लोग थे जो उनके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी थे। अब यहाँ पर पैसा एवन का अनफेयर एडवांटेज था जो बिना कुछ किए ही उनको मिल गया था, इसीलिए वो इतनी कम एज में इतना बड़ा बिजनेस शुरू कर पाए और उसको इतना पॉपुलर बना सके। पर देखो ये भी सच है कि हर किसी के पास एवन की तरह पैसा नहीं होता, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास अनफेयर एडवांटेज नहीं है। जैन कॉम जो व्हाट्सएप के फाउंडर हैं, पैसे उनके पास भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी प्रीवियस जॉब में कई सालों तक काम किया और लगभग $4,00,000 सेव किए। इसके लिए उन्होंने अपनी लग्जरी लाइफ को एक तरह से सैक्रिफाइस किया, जिससे आगे चलकर उन्हें व्हाट्सएप शुरू करने में इन्हीं पैसों से मदद मिली। सो लेसन ये है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके बस का भी कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। पैसे ना होने पर भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो अलग अलग तरह से आपको मिलती हैं, और जब आप उन अलग अलग चीज़ों को ट्राई करते हो तो इससे आपकी स्किल्स बहुत बढ़ती हैं। और इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना ही नहीं, अपने बिजनेस को स्ट्रगल से ग्रो करने से आप बिजनेस के फंडामेंटल्स को भी बहुत डीपली समझ सकते हैं। तो ऐसे में अगर आपके पास पैसा है तो नो डाउट आप अपने कॉम्पिटिटर्स से ऑलरेडी आगे हैं, बट अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके पास चीज़ें एक्सप्लोर करने के मौके बहुत हैं। माइल्स का आई प्रेजेंट करता है इंटेलिजेंस और इंसाइट्स को। कॉलिसंस ब्रदर्स जो कि इरिश बिलियनर एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्होंने 22 साल की एज में स्ट्रिप नाम की एक $1 बिलियन कंपनी बनाई जो लोगों को ऑनलाइन पेमेंट की सर्विस प्रोवाइड करती थी। $1 बिलियन कंपनी सिर्फ 22 साल में, सुनकर शौक लगा ना? पर अगर आप उनकी लाइफ स्टोरी उठाकर देखोगे तो आपको जानने मिलेगा कि वो कितने ज़्यादा क्रिएटिव थे। उन्होंने 16 की एज में ही एक नई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही इन्वेंट कर दी थी। इस उम्र में जहां ज़्यादातर बच्चे प्रोग्रामिंग तो दूर मैथ की प्रॉब्लम तक सॉल्व नहीं कर पाते, वहीं कॉलिंस ब्रदर ने एक बिल्कुल नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इन्वेंट करके दिखा दिया। टॉमी कॉलिंस ने 15 की एज में ही अपनी स्कूलिंग पूरी कर ली ताकि वो MIT जा सकें, जबकि उनके भाई जॉन कॉलिंस के स्कूल में ज़्यादा मार्क्स आने की वजह से उनका स्कूल कंप्लीट होने से पहले ही उनका एडमिशन हार्वर्ड में हो गया। तो आप कह सकते हैं कि ये सब कॉलिंस ब्रदर्स की इंटेलिजेंस की वजह से हुआ था। उनके केस में जल्दी इंटेलिजेंस मिलना उनका अनफेयर एडवांटेज था, बट इसके लिए उन्होंने कम उम्र से मेहनत भी बहुत की थी। ऐसे में अगर आप भी किसी फील्ड में अच्छे हैं, मान लो कॉन्टेंट राइटिंग, तो उस फील्ड की अलग अलग जगह से नॉलेज लेना आपका अनफेयर एडवांटेज बन सकता है, क्योंकि अपनी नॉलेज की वजह से आप उस सब्जेक्ट के इनसाइट्स को बाकियों के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। माइल्स का एल प्रेजेंट करता है लोकेशन एंड लक को। हमें अक्सर कामयाब लोगों से ये सुनने मिलता है, राइट प्लेस राइट टाइमिंग इज द की टू सक्सेस। अब ये कैसे पॉसिबल है, चलिए समझते हैं। मान लीजिए आप टैक्स रिलेटेड कोई काम करना चाहते हो और अभी आप अमेरिका की सिलिकॉन वैली या फिर इंडिया के बैंगलोर में रहते हो, तो इससे अच्छा तो और कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक वैसे ही अगर आपको AI पर काम करना है और आप चाइना में रहते हो, तो आपका ये अनफेयर एडवांटेज ही है। पर याद रखना, लोकेशन तब तक किसी काम की नहीं होती जब तक टाइमिंग सही ना हो। ड्रॉप बॉक्स जो कि एक क्लाउड स्टोरेज है, वो लॉन्च होते ही लोगों में बहुत पॉपुलर हो गया और सिर्फ कुछ ही टाइम में 500 मिलियन से भी ज़्यादा लोग उसको यूज़ करने लगे। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ड्रॉप बॉक्स सबसे पहला क्लाउड स्टोरेज था ही नहीं। क्लाउड स्टोरेज का इन्वेंशन तो 1999 में ही हो चुका था, लेकिन उस समय इंटरनेट की ज़्यादा अवेलेबिलिटी और स्पीड ना होने की वजह से क्लाउड स्टोरेज उतना चला नहीं। पर 2008 में जब ड्रॉप बॉक्स लॉन्च हुआ तो इंटरनेट मैक्सिमम लोगों तक पहुँच चुका था। यही वजह है कि इसको इतनी जल्दी इतनी सक्सेस मिल गई। तो किसी भी चीज़ के कामयाब होने में लोकेशन जितनी इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट सही टाइमिंग भी है। आप मान सकते हैं कि ये बिल्कुल फसल उगाने के जैसा है। अगर आप सही जगह पर फसल उगाते हो बट आपकी टाइमिंग ठीक नहीं है, तो फसल ग्रो नहीं करेगी। ठीक वैसे ही अगर आपकी टाइमिंग सही है पर लोकेशन गड़बड़ है, तब भी कुछ नहीं होने वाला। इसलिए लोकेशन और टाइमिंग जब दोनों का ही आप सही यूज करते हो तो ये आपका अनफेयर एडवांटेज बन जाता है। माइल्स का ई प्रेजेंट करता है एजुकेशन और एक्सपर्टीज को। मान लीजिए आपके सामने दो लोग हैं और दोनों ही आपको किसी टॉपिक पर कुछ कहना चाह रहे हैं। पहला एक एवरेज कॉलेज का लड़का है और दूसरा IIT का बंदा है, तो आप बताइए कि इन दोनों में से किसकी बातें आप ज़्यादा सुनना चाहोगे। कोई भी शक नहीं है इस बात में कि आप IIT वाले की ज़्यादा सुनोगे, क्योंकि जो IIT पढ़कर आया है ऑब्वियसली वो इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से है। सो इस तरह से अगर देखें तो एक अच्छी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेना भी अनफेयर एडवांटेज में ही आता है। ऑथर कहते हैं कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ने में आपको नॉलेज तो मिलती है, पर साथ ही आपका कनेक्शन इस तरह के बड़े बड़े लोगों से और ज़्यादा बढ़ता है। एग्जाम्पल की जगह पर हम लैरी पेज और सर्गे ब्रिन को रख सकते हैं। दोनों ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस में PhD की थी और वहीं उन्होंने 1998 में एक रिसर्च पब्लिश की जिसमें यह बताया गया था
कि इंटरनेट के लार्ज स्केल हाइपरटेक्सुअल वेब सर्च इंजन को स्टडी कैसे किया जा सकता है, और ना सिर्फ स्टडी किया जा सकता है, उसको ग्राफ में प्रेजेंट कैसे किया जा सकता है। पीएचडी करते टाइम दोनों को ही यह पता नहीं था कि जो भी पढ़ाई वो अभी कर रहे हैं, फ्यूचर में यही नॉलेज और एक्सपीरियंस उनको बिलियन डॉलर कंपनी गूगल खड़ी करने में हेल्प करेगा, जो ओवरऑल उनके लिए उनका अनफेयर एडवांटेज बन गया। माइल्स का एस प्रेजेंट करता है स्टेटस को। स्टेटस भी लोगों का आज के टाइम में एक अनफेयर एडवांटेज ही है, क्योंकि वो उनका एक तरह से गुडविल के जैसे काम करता है, और लोग गुडविल जैसी चीजों पर बहुत यकीन करते हैं। एलोन मस्क को ही अगर हम देखें तो उन्होंने इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी और विजडम हासिल की है कि अब वो कोई भी बिजनेस शुरू कर लें, उसे कामयाबी तक पहुंचाने के लिए उनका स्टेटस ही काफी है। एलोन मस्क की बोरिंग कंपनी इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। इस कंपनी के नाम से लेकर उसके किसी भी चीज को प्रमोट ही नहीं किया गया, पर क्योंकि एलोन मस्क इस कंपनी को चला रहे हैं तो इसकी वैल्यू अपने आप ही बढ़ गई। यहाँ ऑथर हमको ये कहना चाह रहे हैं कि स्टेटस भी कई बार लोगों के लिए उनके अनफेयर एडवांटेज का काम करता है। कई सारे फेमस यूट्यूबर्स हैं जो कहीं भी जाते हैं तो उस जगह पर जाने के भी वो लाखों रुपए चार्ज करते हैं, क्योंकि यूट्यूब ने उनके स्टेटस को काफी आगे लाकर रखा हुआ है। इसलिए भीड़ का हिस्सा मत बनो, अपना स्टेटस और अपनी वैल्यू बढ़ाने पर फोकस करो। इससे आपको कनेक्शंस बनाने में हेल्प मिलती है, दूसरों से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है। जब आप हजारों लाखों लोगों की पसंद बन जाते हो तो उस टाइम समझ जाना आपकी कमाई भी लाखों करोड़ों में होने वाली है। इस वीडियो के अगर आप आखिर तक पहुंच गए हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके पास भी चीजों पर फोकस लगाकर समझने का एक अनफेयर एडवांटेज है, और इसी अनफेयर एडवांटेज को किसी और चीज में लगाकर आप अपनी लाइफ तक बदल सकते हैं। बाकी फोकस के अलावा और कौन सा अनफेयर एडवांटेज आपके पास है कॉमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ये जानना है कि कैसे एक 13 साल के बच्चे ने अरबों की कंपनी खड़ी कर दी, तो ये वीडियो आपके लिए है। मिलते हैं अपनी उसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।